लेट में गई अगर आज तो ना बेइज्जती अलग होगी। देख 11:30 का टाइम हो गया है और बस 6 मिनट रह गए हैं, फटाफट तैयार हो जा। बाकी जा रही है सर्कस स्कूल की तरफ से, स्कूल मतलब जहाँ पे ये पढ़ाती है तो वहाँ उनकी तरफ से ये सर्कस पे जा रही है, सर्कस देख रहे हैं और रेडी हो रही है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का व्लॉग बनाने वाली है पाखी। वैसे तो व्लॉग बहुत छोटा सा रहेगा क्योंकि ये सिर्फ सर्कस देखने जा रही है स्कूल की तरफ से, बस स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ, तो बाकी की वीडियो में आपको पाखी और उसके जो फ्रेंड सर्कल है टीचर्स का वो ही मिलेगा। ओए कर क्या रहे ऊपर बैठो क्या बॉल से वही खेल रहे हैं, आप भी खेलोगे? ये ऊपर कैसे जा रही है? जाओ देखो क्या कर रही हूँ। आई थिंक ये जाल पूरा हटेगा, देखते हैं इतना सारा है। ये सबको गिफ्ट मिल रहे हैं। नम्रता अच्छे से बैठो। Oh!
में आ गए हैं. एक रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल है शायद वो आ रहा है एंड वी आर ऑल. वर्षा मैम के साथ जाओ, वर्षा मैम के पास जाओ. हाँ क्या देखने गई थी सर का वीडियो बना के लाई हूँ. उसमें सिर्फ उछल कूद घूमा घूम यही सब था. बड़े फनी फनी एक्ट भी थे. इतनी बड़ी लड़कियाँ ठीक है, लंबी लंबी और लैपी जितनी साइकिल. हमारे लैपी जितनी साइकिल चला रही है जी. इतनी हंसी आई मुझे उस एक्ट में, सबसे ज्यादा हंसी आई. फिर एक ये था कि उसने ना बाल्टी भर के पानी पिया है, बाल्टी भर के, और वो मतलब निकाल रहा है कैसे मुंह में पी लिया और इतना सारा पानी पहली बार गया था, दूसरी बार वो निकाल रहा है खड़े हो गए बस ऐसे. ये योगा से करते हैं। वो तो सब मालूम है मुझे, पेट एक्सपैंड करके उसने पूरा उसका प्रैक्टिस करके. हाँ तूने कितनी बार तू देखी है सर गैस? ऐसी तो होती है, सेम ही होती है. तो ये बता कुछ अलग हुआ क्या कि सेम टू सेम जैसे हम देखते आए वैसे ही सब कुछ? क्या मालूम बहुत टाइम हो गया. बचपन में गए थे यार ये सर्कस में, जो इतने इतने से थे. एक बार आया था सर्कस वो चिमन बाग ग्राउंड के ऊपर, मैं और पापा लेके गए थे इनको. भाई मैंने जितने बार भी सर्कस देखी है ना हमेशा एक जैसी ही होती है, कुछ ज्यादा चेंजेस नया तो वैसे भी कुछ नहीं ला सकते क्योंकि वो शेर जो है वो मतलब जानवरों को के करतब दिखाना गैरकानूनी कर दिया इन लोगों ने. सर्कस की तो आत्मा ही चली गई उससे. तो मतलब ठीक रहा, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने. आधे खाते रहे आधे सोते रहे. सोते रहे तो ये बच्चों का एंजॉयमेंट तो ऐसा ही होता है बस. उनकी तो अपनी दुनिया होती है, बढ़िया है. दो बच्चे थे, एक वंश था, बाइक का वो चालू हुआ मौत का कुआ टाइप, एक जाल बना रखा उन्होंने इतना बड़ा और उसमें वो बाइक ले लेके घूम रहे. जैसे बाइक चालू ऐसे चिल्लाया वो पापा बाइक चली होगी 5 मिनट, सब बच्चे एक बार ये करके शांत. उसका ये चली जा रहे चली जा रहे. मैं कहा वंश घास हो गया रुक जा. मतलब जब तक बाइक निकल ले गई ना बाहर खत्म, वो जाल टूट नहीं गया तब तक वो चुप ही नहीं हुआ है. सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर लेनी थी ना. हाय हम तो हलस के पागल हो गए वंश के ऊपर. और हम सब देख रहे उसकी आवाज बहुत तेज, तो हम ऐसे कान बंद करके हम उस वंश को बोले बस बैठ जा बेटा बैठ जा. उसने असली एंजॉय तो उसने किया. वो उसकी फेवरेट है बाइक और ये वो. देख लो इसको बोलते हैं असली एंजॉयमेंट. और असली एंजॉय करता है ये. और असली आराम करते हो तुम यूं लेट के. भाई मेरे को बाबूजी बोल के गए किस किस को हंसी है किस किस को रोई है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोई. तो कंबल दो ना दू वो ढकने के लिए मुंह. नहीं मेरा मुंह हवा से ढका हुआ. तो अभी मैं जा रही हूँ आईसाइट चेक कराने, पाथी की भी और खुद की भी. मुझे बहुत टाइम से लग रहा है कि थोड़ा आईसाइट की प्रॉब्लम है और आज सोचा पाथी को लेना ही था चश्मा एक, तो मैंने सोचा साथ में मैं भी अपनी आईसाइट चेक करवा लेती हूँ और देखते हैं कि क्या निकलता है रिजल्ट. क्योंकि दूर का तो सही है पर थोड़ा पास की आईसाइट मुझे लगता है वीक है, थोड़ा ब्लर हो जाता है. तो देखते हैं कि क्या निकलता है. सही लग रहा था ये वाला वो, जैसे मेरे पास है ना. कौन सा अच्छा लग रहा है? सेम है ना ये. तो गाइज हम लोग आगे हैं घर और अभी मैंने देखा कि धैर्य और प्रकाश जी अपने लिए लेके आए हैं शूज. मैं आपको दिखाती हूँ ये शूज लेके आए हैं स्पार्क्स के. ये धैर्य के लिए है ब्लैक कलर का और ये है प्रकाश जी के लिए. बहुत बढ़िया.
सो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं भी, और पाखी भी बहुत थक गए हैं। हम शॉर्ट लेने गए थे पाखी के लिए, उसको तो मिले नहीं, मुझे जरूर मिल गए, और उसने एक वाइट जीन्स खरीदी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।